children, good morning. How are you? I hope you all are doing great. Nice. And you are doing your work properly. Well done. So today's new topic is number and numeration, chapter 4. You must be aware about numbers, right? क्या होते हैं numbers? Numbers होते हैं 0 से लेकर 9 तक. They all are numbers. Now there is a new term, that is numeration. Now what is this numeration? हम number names लिखते हैं? लिखते हैं ना? Yes. So उन्हीं को हम numeration कहते हैं. Numeration means writing numbers in words. Numbers को words में लिखना is known as numeration. So let's start this chapter. So children, let's learn about tens and ones. You must have done this concept in your previous class, but let's revise it today again. O stands for ones and T stands for tens. हम जब भी counting लिखते हैं, आपने हमेशा notice किया होगा कि ma'am सबसे ऊपर T और O लिख देती हैं. क्यों लिखती हैं? ये क्या पता है आपको? मैं बताती हूँ. With a small story. एक small story के साथ मैं आपको ये चीज समझाती हूँ. Okay? Let's start. हमारे पास numbers होते हैं 0 से लेकर 9 तक. और ये कितनी डिजिट होती हैं? ये होती है सिंगल डिजिट. जैसे मैंने कहा 1, तो वो एक सिंगल डिजिट है. मैंने कहा 4, वो भी एक सिंगल डिजिट है. अगर मैं कहती हूँ 15, तो 15 में कितने डिजिट्स आती हैं? 1, 5, 15, 2 डिजिट्स, है ना? ये हमारे हैं 1 डिजिट, ये हमारे हैं 2 डिजिट. फिर अगर मैं कहती हूँ 20, तो 20 में भी कितनी डिजिट्स आ रही हैं? 2 डिजिट, राइट? सो जब हम वंस में लिखते हैं, एक बार क्या होता है? दो घर होते हैं, एक वंस का घर होता है, एक टेंस का घर होता है. तो इन सभी नंबर्स को, ये सब नंबर्स अपने लिए क्या ढूंढ रहे थे? एक घर ढूंढ रहे थे रहने के लिए. तब वंस ने बोला कि मेरे घर में सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जिनके पास एक एक डिजिट है, जिनके पास एक एक डिजिट है. अब किनके पास है एक एक डिजिट? 0 से लेकर 9 तक. और 2 डिजिट्स होती हैं हमारी 11 से लेकर 99 तक, सॉरी 10 से लेकर 99 तक. इनके बीच में जितनी भी डिजिट्स हैं, वो कितने डिजिट नंबर्स हैं? 2 डिजिट नंबर्स. नाउ जब उन्होंने घर ढूंढना शुरू किया, तो वंस ने बोला कि मेरे पास कौन से डिजिट के नंबर्स रह सकते हैं? सिर्फ सिंगल डिजिट, 1 डिजिट वाले. तो 1 डिजिट हमारी कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 9 तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. लेकिन जब हमारी टर्न आई 10 की, 1 0 10 की, तो इसके पास कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स. अब उसको बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि वंस ने तो मना कर दिया कि मेरे घर में 2 डिजिट्स के लिए जगह नहीं है. तो वो क्या, किसके पास गया? वो गया भागता 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 टेंस के पास. तब उसने टेंस को बोला कि वंस ने मुझे अपने घर में रखने से मना कर दिया है और मेरे पास अब घर रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है. तब टेंस ने भी उसको क्या कहा कि मेरे पास भी एक ही डिजिट की जगह है. टेंस ने भी क्या कहा? मेरे पास भी एक ही डिजिट के लिए स्पेस है. तो तब टेंस ने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक डिजिट वंस के घर में रखूं और एक डिजिट कहां रखूं? टेंस के घर में. तो उसने 0 को रखा वंस के घर में और 1 को रखा टेंस के घर में. तो ये क्या बन गया हमारा? 1 0 10. ऐसे ही हमारे 11 12 भी किस घर से किन घरों में रहते हैं? टेंस और वंस के साथ. सो बेटा, नाउ वी हैव लर्नड हाउ टू राइट नंबर्स इन टेंस एंड वंस, राइट? तो अब हम सीखेंगे कि अबैकस की हेल्प से हम कैसे नंबर्स को काउंट कर सकते हैं. ओके? अब अबैकस क्या होता है? अबैकस होता है बेटा एक मैथमेटिकल टूल होती है जिसकी हेल्प से हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं. ओके? सो अब अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी 10 टॉफीज हैं या 10 बिस्किट्स हैं, तो आपने एक 10 का सेट बना लिया. उस 10 के सेट को हम क्या कह सकते हैं? 1 10.
उसको हम क्या कह सकते हैं, 110, और 110 को हम और भी क्या कह सकते हैं, सिर्फ 10। अगर मैं कहूं 210 इज, तो 2 सेट्स ऑफ 10 के अगर हमारे पास होंगे तो वो क्या बना देंगे, 20। 310 इज 30, 410 इज 40, सो ऑन, राइट। सो यहां पर मेरे पास एक अबैकस है जिसमें मुझे काउंट करना है और राइट करना है यहां पर इस बॉक्स के अंदर के हमारे पास क्या नंबर है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वंस फर्स्ट। हाउ मेनी बीड्स आर देयर, कितनी बीड्स आपको दिखाई दे रही हैं? मैंने यहां पर दो सर्कल लगाए हैं, इनको हम बीड्स बोलते हैं, राइट। सो हाउ मेनी बीड्स आर हियर, 2। सो वी विल राइट 2 एट द प्लेस ऑफ वंस। और टेंस के वहां पर कितनी बीड्स हैं, लेट्स काउंट 1, 2 एंड 3। सो वी विल राइट 3 हियर अंडर टेंस, है ना। तो इसने क्या नंबर बनाया, 32। इजी, लेट अस डू विद वन मोर एग्जांपल। सो नाउ यू कैन सी आई हैव ड्रॉन एन अबैकस अगेन, और यहां पर मैंने वंस के अंदर कोई भी बीड्स नहीं बनाई है। दैट मींस द फिगर इज 0। वंस में कितनी फिगर्स है, 0, कितने डिजिट्स है, 0। एंड व्हेन आई कम्स, इट कम्स टू टेंस, 1, 2, 3, 4, सो द नंबर इज 40। एंड सेम वे यू हैव टू डू इन योर बुक ऑन पेज नंबर 29। Now children, we have numbers from 11 to 29. We have to take out the number and then we will write down its numeration also. Right? Numeration, pata hai na kya hota hai? Write them number in, writing the numbers in words. Right? So here we have 110 plus 11. Maine aapko pehle abhi samjhaya tha ki 110 means 1, 0, 10. Jab hum 10 का एक सेट ले लेते हैं तो उसको हम 110 भी बोल सकते हैं। तो 10 प्लस 1, अगर हम 10 प्लस 1 करते हैं तो हाउ मच इट विल गिव अस, 11, राइट। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 11, व्हाट इज द न्यूमरेशन ऑफ 11, ELEVEN, दैट वी हैव ऑलरेडी डन, राइट। नेक्स्ट, 110 प्लस 21, 110 मींस 10 प्लस 21, 10 plus 21 gives us a sum of 12. And what is the numeration of 12? TWELVE. Okay. Next I have 110 plus 21. So how much it will give? 110 plus 31. Sorry. 3 ones we have here. So 10 plus 3 ones, it will give a number of 13. So what will be the numeration of 13? THIRTEEN, 13, right? And so on. और ऐसे आप अपना पेज नंबर 30 पर ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, एंड दैट यू कैन डू इजीली, राइट। सो चिल्ड्रेन, नाउ आई हैव 2 tens प्लस 1 1। 2 tens मतलब 2 सेट्स ऑफ 10 10, मतलब कितना हुआ, 20। 20 प्लस 1 1, हाउ मच इट विल बी, 21। एंड व्हाट इज द नंबर, न्यूमरेशन ऑफ 20, TWENTY 20, एंड 21, TWENTY 20, ONE 1। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल फॉर यू बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न ऑल दीज नंबर नेम्स, राइट। गुड, नेक्स्ट 2 tens प्लस 2 ones, नाउ यू विल टेल हाउ मच इट विल बी, क्या नंबर बनकर आएगा, 2 tens प्लस 2 ones, जल्दी से बताइए, इट विल गिव अस नंबर 22। कैसे, 2 tens मीन्स 20, 20 प्लस 2 गिव्स अ नंबर ऑफ 22, राइट। नेक्स्ट 2 tens प्लस 3 ones, नाउ 2 tens एंड 3 ones, हाउ मच इट विल बी, इट विल बी 23, and what will be the numeration for 23? TWENTY 20, THREE 23,
3. So this way you can do on page number 31. So children, this was all about our chapter number and numeration. Okay, I hope you have understood the concept. Now please write them in your book, learn them, understand them and do it in your books. So I will be back with this chapter again. Till then, take care of yourselves, everyone. Bye.